कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप एक ऐसे YouTube चैनल पे पहुंच चुके हैं जहां पर ना सिर्फ टॉप 10 कॉलेज का नाम ही बताया जाता है बल्कि टॉप 10 कॉलेज के बारे में पूरी पूरी जानकारी काफी डिटेल में दी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम काफी डिटेल में जानेंगे टॉप 10 बीए कॉलेज ऑफ बाराबंकी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि बाराबंकी में लगभग 50 से भी अधिक बीए कॉलेज है और उनमें से सिर्फ टॉप 10 को छांट लेना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैंने उन 50 कॉलेज का रिव्यू किया और उनमें से टॉप 10 कॉलेज को छांट लिया इस बेस पर कि इन कॉलेज में बीए के लिए अधिक सब्जेक्ट है और साथ ही यहां से आप एमए में भी कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज कौन है। तो दोस्तों, बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे है आइडियल डिग्री कॉलेज। यह कॉलेज दोस्तों अमरसंडा में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आपको बीए करना है तो यह कॉलेज बाराबंकी का सबसे बेस्ट कॉलेज है बीए के लिए। इस कॉलेज जैसा दोस्तों बाराबंकी में कोई और कॉलेज नहीं है। यह कॉलेज RMLAU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे तो दोस्तों इस कॉलेज से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आर्ट्स में बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में बीए के 10 सब्जेक्ट हैं तथा एमए के 7 सब्जेक्ट हैं। यानी कि यहाँ से आप 7 सब्जेक्ट में एमए और 10 सब्जेक्ट में बीए कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद दोस्तों बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे है साईं पीजी कॉलेज। यह कॉलेज फतेहपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RMLAU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। इस कॉलेज से भी आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन यहां से आप आर्ट्स में बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहां पर बीए के 11 सब्जेक्ट हैं तथा एमए के 5 सब्जेक्ट हैं। इस कॉलेज के बाद बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे है GNITM कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है गोकरण नर्वदेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों 2008 ईस्वी में। यह कॉलेज AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, वैसे तो इस कॉलेज से भी आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स में यहां से आप बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहां पर बीए के 8 सब्जेक्ट हैं तथा एमए के 7 सब्जेक्ट हैं। दोस्तों, मैं एक बात आप सभी को बताता चलूं कि इस कॉलेज में हर फील्ड में स्टडी कराई जाती है, इसलिए अगर आप इस कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको हर फील्ड के स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता रहेगा। तो आप इस कॉलेज से भी बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे है रामखेलान कॉलेज। यह कॉलेज असंतरा में है। यह कॉलेज भी दोस्तों RMLAU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। यहां से आप आर्ट्स में बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहां पर बीए के 14 सब्जेक्ट हैं तथा एमए के 7 सब्जेक्ट हैं। इस कॉलेज के बाद दोस्तों बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 5 नंबर पे है सहयोगी आर्मी डिग्री कॉलेज। यह कॉलेज दोस्तों खुशहालपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RMLAU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। दोस्तों, यह कॉलेज भी आर्ट्स के लिए कमाल का कॉलेज है। यहां से भी आप बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहां पर बीए के 10 सब्जेक्ट हैं
तथा एमए के 6 सब्जेक्ट। इस कॉलेज के बाद बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे है मनोहर लाल वर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यह कॉलेज दोस्तों न्यू बस स्टैंड बाराबंकी में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RMLAU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वैसे तो दोस्तों इस कॉलेज से भी आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स में यहाँ से आप बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर बीए के 9 सब्जेक्ट हैं और एमए के 6 सब्जेक्ट हैं। इस कॉलेज के बाद बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 7 नंबर पे है गंगा देवी लाल बहादुर पीजी कॉलेज। यह कॉलेज दोस्तों पूरे रुद्रा उस्मानपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RMLAU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। वैसे तो दोस्तों इस कॉलेज से भी आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स में जहाँ से आप बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे है चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय। यह कॉलेज बाराबंकी में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2008 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RMLAU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से भी दोस्तों आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स में यहाँ से आप बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर बीए के 10 सब्जेक्ट हैं और एमए के 2 सब्जेक्ट हैं। इस कॉलेज के बाद बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 9 नंबर पे है राम सेवक यादव महाविद्यालय। यह कॉलेज दोस्तों चंदौली में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। यह कॉलेज भी RMLAU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। यहाँ से भी आप आर्ट्स में बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर बीए के 8 सब्जेक्ट हैं तथा एमए के भी 8 सब्जेक्ट हैं। इस कॉलेज के बाद बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज के लिस्ट में 10 नंबर पे है डॉक्टर अवधेश प्रकाश शर्मा स्मारक पीजी कॉलेज। यह कॉलेज दोस्तों नसीपुर में है। यह कॉलेज भी दोस्तों RMLAU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। यहाँ से भी आप आर्ट्स में बीए और एमए में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर बीए के 11 सब्जेक्ट हैं तथा एमए के 3 सब्जेक्ट हैं। दोस्तों यह है बाराबंकी के टॉप 10 बीए कॉलेज, जहाँ से अगर आप आर्ट्स में कोर्स करते हैं तो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट मिलेगा। साथ ही साथ इन कॉलेजों से आप एमए में भी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं, तथा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।